सम्मान चाहिए, विकास नहीं। ये बोलने वाले लोग से जो जंगल राज का जमाना था बिहार में, उस समय बिहार के पर कैपिटा इनकम उड़ीसा से हायर था। हर व्यक्ति का आमदनी जो मेजर होती है पर कैपिटा जीडीपी, वो 21,282 में जो था उससे कम होकर के 14,209 में पहुंचे। 2019 जहां हम मेहनत के बाद 37 तक पहुंचाया, अगर उस जंगल राज ना रहते बिहार का पर कैपिटा 95,313 तक पहुंच गया होगा 2019। पार्लियामेंट इलेक्शन के कैंपेन के दौरान आज मैं पार्टी की ओर से पटना में हूं और बहुत सारे विषय कैंपेन के द्वारा आपको मिल गया होगा, मगर ये ज़रूर मैं उचित समझा कि दो चार विषय आपके सामने रखूं और फर्स्ट टाइम वोटर्स को याद रखते हुए और उनके लिए, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए, जिस काल में उनका कोई अनुभव नहीं है या शायद उनका जन्म भी उसके बाद में हुआ, जंगल राज के बाद में हुआ, ऐसे बिहार के जंगल राज से बाहर आने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा और उससे बिहार का क्या नुकसान हुआ, उसके ऊपर मैं थोड़ा विषय रखना चाहती हूँ। और इसीलिए मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट थोड़ा, आप सब्र रखिए, थोड़ा लंबा है, मगर एकदम लंबा नहीं करूँगी। आप ज़रूर मेरे से फिर प्रश्नोत्तरी के समय पूछ भी सकते हैं। मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहती हूँ, सम्मान चाहिए विकास नहीं। ये बोलने वाले लोग से जो जंगल राज का जमाना था बिहार में, उस समय बिहार के पर कैपिटा इनकम उड़ीसा से शुरू, जंगल राज शुरू होने से पहले उड़ीसा से हायर था, बड़ा था। उड़ीसा उस समय पर कैपिटा जीडीपी 20,591 रुपीस था, 20,591। और उस समय 1991 के समय में बात कर, बिहार का 21,282 था, मगर जंगल राज शुरू होने के बाद बिहार का 33% ड्रॉप हुआ और आराम से उड़ीसा 31% ज़्यादा बढ़ा। इसीलिए 2002 तक जब हम पहुंचे, बिहार का पर कैपिटा इनकम, वो जो मैंने कहा 21,000 कुछ, उससे कम होकर के 14,209 तक पहुंचा। उस 10 साल जंगल राज के कारण पर कैपिटा, हर व्यक्ति का आमदनी जो मेजर होती है पर कैपिटा जीडीपी, वो 21,282 में जो था उससे कम होकर के 14,209 में पहुंचे। फिर पोस्ट 2002 के बाद में पर बिहार के पर कैपिटा इनकम एवरेज ग्रोथ के अनुसार, एवरेज एनुअल ग्रोथ 5% के, 5.6% के अनुसार, वो 14,000 जहां गिरावट हुई 14,209 से उठकर के 37,000 तक पहुंचा 2019 तक। मेहनत के कारण और जंगल राज को मिटाने के बाद
थोड़ा कानून व्यवस्था ठीक होने के बाद ये था, मगर इसी 5% का ग्रोथ अगर वो कालखंड में अगर 1980 से 91 से लेकर के 2002 तक वही 5% के अनुसार हम कैलकुलेट भी करें, बिहार का 2019 जहां हम मेहनत के बाद 37 तक पहुंचाया, अगर उस जंगल राज ना रहते बिहार का पर कैपिटा 95,313 तक पहुंच गया होगा 2019। जंगल राज से जो नुकसान आता है आम आदमी के आमदनी तक उसका असर पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा तो मर्डर, खून, हत्या, रेप ये सब होता, वो भी भयंकर है, मगर पर कैपिटा इनकम के विषय में आप जरा सोचेंगे, यही है अंतर। मेहनत के बाद 2002 से 37,000 तक जहां पहुंचा, अगर रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर उस समय भी रहता 95,000 तक बिहार के इनकम पर कैपिटा इनकम हो जाता। अभी उसी जो सम्मान चाहिए विकास नहीं बोलने वाले, तब बोलने वाले आज भी क्या भाषा बोल रहे हैं जी। बिहार में 5,478 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाया गए हैं एलिमेंट्री स्कूल में, पूरे के पूरे केंद्र सरकार के पैसा के साथ। इसके अलावा समग्र शिक्षा स्कीम के द्वारा 4,021 एडिशनल क्लासरूम, अगर क्लासरूम्स भी है, नया क्लासरूम और जोड़ा गया है, 6,763 टॉयलेट्स बनाए गए, रैंप्स मतलब क्या दिव्यांग लोगों के लिए 578 रैंप्स, 160 कंप्यूटर रूम्स, 113 लाइब्रेरी रूम्स और 64 साइंस लैब्स। ये समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा, कौशल विकास योजना के द्वारा 6,00,000 यूथ को ट्रेनिंग दिया, स्किल और ट्रेनिंग दिया गया है 2015 से लेकर। फिर आईआईटी बोधगया कैंपस परमानेंट कैंपस का इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है, और एकेडमिक और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी आईआईटी पटना के लिए भी इसके दौरान फरवरी में इनॉग्रेट किया गया। सो सिर्फ एजुकेशन के विषय में मैं ये डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।